In fact, as we wind down, let's hear out what Vallabh Bhanshali, chairman of ENAM Securities, had to say on this book. Yogi on Dalal Street, एक बहुत अनूठा, बहुत उपयोगी और बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है. अरुण ठुकराल, जो कि इन्वेस्टमेंट व्यवसाय में इतने सालों से लगे हुए थे, उनके मन की ये भावना थी कि किस तरह छोटे इन्वेस्टर भी अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टर बने और इस मार्केट का लाभ उठाएं. उनके जीवन में एक प्रसंग आया कि वे योग की शिक्षा पाए और उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बात यह समझ में आई कि अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जानकारी से ज़्यादा जानकारी कैसे इस्तेमाल की जाए, कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है. योग की शिक्षा यही है कि अगर आपके मन पर संयम नहीं है, आपके तन पर संयम नहीं है, जीवन में संयम नहीं है, तो बहुत सारा लाभ आपको नहीं मिलेगा. तो योग की जो शिक्षा है, जो हमारे योग सूत्र की आचार्य पतंजलि ने जब योग को संकलित किया सबसे पहली बार, कि भारत में बहुत प्रथाएं थी योग की, उस संकलन के आधार पर चित्त वृत्तियों को उन्होंने उनका निदान किया, उनका वर्णन किया और ये बताया कि किस तरह आप अपने मन पर संयम लगाकर जीवन के हर पहलू में अपने उन परिस्थितियों का लाभ उठा सकते हैं. तो एक अद्भुत संगम अरुण जी ने किया है कि आप अपने आप को समझिए, आपके वातावरण को समझिए, किस तरह आप अनावश्यक रूप से अपने राग द्वेष बायस आलस इत्यादि से परेशान होकर आप मार्केट को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, ब्रोकर को दोष देंगे. उसके बदले में आप अपने आप को देखना सीख जाएंगे तो आपको सारी जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगी. एक ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास है और मैं चाहूँगा कि हर इन्वेस्टर इसे पढ़े और ना केवल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में उसका फायदा उठाए लेकिन योग को भी जीवन में अपनाकर बहुत बहुत लाभान्वित हो. मैं अरुण जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस काम के लिए. Okay, so Sumaira, now we know how to tackle our stress, right? Whether it's at work or at home. Are you prepared? Yes. We have to go and start doing those asanas as soon as we get home. Are you prepared? No, I have a lot more to do actually. Well, let's see. It's a yoga day, so maybe we can slip in some of those asanas. Shavasana for sure. The easiest.